प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहां पर आज हम आए हुए हैं यमुना नदी के किनारे पर श्री श्री 1008 ब्रज शिरोमणि टाटंबरी जी महाराज की गौशाला पर। यहां पर ये गोकुल गांव है और वासुदेव घाट है। तो यहां पर लगभग 350 गिर नस्ल की गाय हैं। इन्हीं गायों को महाराज जी काफ़ी लंबे समय से इनका पालन करते आ रहे हैं। यहाँ पर शुरू में सिर्फ 5 गाय लेकर आए थे महाराज जी, उन्हीं 5 गायों से आज यहाँ पर लगभग 350 गाय हो चुकी हैं। तो आइए मैं आपको इन गायों के एक अच्छे गौ सेवक अंकित उपाध्याय जी से मिलवाता हूँ, जो छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करते आ रहे हैं। तो अंकित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 15.5 साल है। वैसे तो 15.5 साल, ठीक है। आप जो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका अध्ययन है, वो संस्कृत विषय से है? हाँ जी, मैं रमण रीति गुरुकुल में पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर गायों की सेवा में कब से हो? करीबन 2 साल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तकरीबन कितनी गाय हैं टोटल? तकरीबन हमारे पास 350 गाय हैं। 350 गाय। आपने कब से गाय यहाँ पर रखना शुरू की थी? कब से? गिर नस्ल की गाय। हमारे महाराज जी थे एक श्री श्री 1008 ब्रज शिरोमणि टाटंबरी जी महाराज जी, उन्होंने 1995 में, उनके शिष्य थे एक जी, उन्होंने 5 गाय महाराज जी को भेंट करी थी जी जी जी। फिर उन्हीं 5 गायों से यही 25 साल में 350 गाय उत्पन्न हुई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बुल कितने हैं आपके पास? बुल हमारे पास 40 बुल हैं। 40 बुल हैं। और तकरीबन दूध वाली गाय कितनी है? 60 दूध वाली गाय हैं। 60 दूध वाली गाय हैं। और बाकी की जो 250 बच गए, वो छोटे बछड़े या जो छोटे बछड़े ड्राई पीरियड चल रहा होगा, बिना दूध देने वाली गाय? ठीक है। हमारे यहाँ पर सभी को समान अधिकार है गायों में, चाहे कोई दूध दे चाहे ना दे। चाहे कोई दूध दे चाहे ना, सबको समान चारा खिलाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनका जो घी है, दूध है, उसका क्या करते हो? हमारे यहाँ पर सब, हमारे यहाँ एक अखंड ज्योति जलती है जी, जो कि कई सालों से अखंड प्रज्वलित ही है जी जी, और उसी में हम अपना घी का वितरण करते हैं जी। और हमारे भंडारे इत्यादि होते हैं, उनमें घी का वितरण होता है जी जी। और हम दूध दही कहीं बेचते नहीं हैं। ठीक है, तो जो दूध है वो पहले बछड़े को छिकाया जाता है? हाँ जी, पहले बछड़ा पूरा तृप्त हो जाएगा, उसके बाद हम दूध को काढ़ेंगे जी जी, उसके बाद हम दूध निकालेंगे। ठीक है, तो लगभग जैसे ये छोटी गाय है, ये आपके पास जो पहले देसी गाय थी उनमें से? उन्हीं में से है। ठीक है, आपके पास जैसे 1995 में यहाँ पर 5 गाय गुजरात से किसी सेवक ने यहाँ पर भेंट की, उससे पहले भी आपके पास जो गाय थी वो देसी गाय थी? यहाँ की लोकल नस्ल? यहाँ की लोकल गाय थी, देसी गाय, वो तकरीबन 3-4 गाय थी। ठीक है, पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं था, लेकिन अब स्तर बड़ा हो चुका है। महाराज जी का भी स्वर्गवास हुआ, महाराज जी का शरीर पूरा हुआ 2 साल पहले। ठीक है, तो उसकी वजह से व्यवस्था भी बढ़ी, व्यवस्था थोड़ी सी कम चल रही है। ठीक है, लेकिन व्यवस्था बढ़िया है। महाराज जी के सेवक हर समय सेवा करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, गायों के लिए छाया किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर टीन डाली जाएगी अब सिल्वर की। तो यहाँ पर सैलरी पे कितने काम करते हैं मजदूर? 12 मजदूर जो ग्वाले हैं वो बस सैलरी पर काम करते हैं, और तकरीबन 8 से 8-9 मजदूर जो हैं सेवा करते हैं। ठीक है, केवल। तो आप जो इनको चारा खिलाते हो, तो आपके खुद की भी जमीन है यहाँ पर आश्रम की? हाँ जी, हमारी 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें हम ऑर्गेनिक फसल उगाते हैं जी, प्योर देसी फसल। हम ना उसमें कोई यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स इत्यादि कुछ यूज़ नहीं करते। ठीक है, और बाकी 5 एकड़ में तो काम नहीं चलेगा, बाकी और किसानों से खरीदते हो आप? बाकी अगर हमारे पास कमी पड़ती है तो हम किसानों से लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे बुल हैं, इसमें इनब्रीडिंग से बचते हो, मतलब बुल को कितने साल में बदलते हो यहाँ से? तकरीबन 3-4 साल में बल देते हैं। ठीक है, 3-4 साल में नया बुल लेकर आते हो? हाँ जी। गुजरात से ही लेकर आते हो? हाँ जी, गुजरात से ही लाते हैं। ठीक है, अगर कोई साथी यहाँ पर आकर दर्शन करना चाहे, तो किसी को गाय पसंद आ जाए, तो आप गाय बेचते भी हो यहाँ से? नहीं, गाय बेचते नहीं है। अगर कोई गोद लेना चाहता है, अगर हमें पूर्ण विश्वास है उस पर कि ये गौ माता की सेवा ढंग से कर सकता है जी, तो हम उसको गाय गोद भी देते हैं। ठीक है, दान में? दान में। उनसे कोई पैसा नहीं लोगे? कोई इतने पैसा नहीं लिया जाता, ना या दूध बेचा जाता है ना या गाय बेची जाती है। ठीक है, यहाँ केवल सेवा का काम होता है। ठीक है, ठीक है, बस। तो यहाँ पर देखिए अंकित जी हैं, इतनी छोटी उम्र में गायों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं काले शिक्षा पद्धति को न अपना कर
इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को न अपनाकर इन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत विषय को चुना है। और आज इनकी पोशाक भी देखिए आप, पूर्णतः देशी पोशाक, और यहीं पर गायों की सेवा में लगी। तो उनकी जिस काली गाय के बारे में बताइए, कहाँ से लेकर आए थे आप? इसकी बड़ी रहस्यमयी कथा है कि हमारे महाराज जी जो हैं पूज्य महाराज श्री, एक दिन यमुना नदी पर साधना कर रहे थे जो सुबह के समय जी। तो सुबह के समय ये गाय जब छोटी सी थी, बछड़ी थी जी, तब ये यमुना जी में बहकर जा रही थी जी। तो महाराज जी यमुना जी में कूद पड़े जी जी, और महाराज जी इसको खींच लाए अपनी गौशाला में, इसका लालन पालन किया। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी हो गई है, ये देखिए जो ये दिख रही है ये इसी की बेटी है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर नदी से बहती बच्चिया को बचाकर महाराज जी ने इसकी सेवा की है। हाँ, फिर इसको लिया। ठीक है, तो महाराज जी के मन में काफी सेवा भाव है गायों के प्रति। 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है, 108 साल की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ है। काफ़ी लंबी उम्र थी, गायों के साथ अच्छे से जुड़े रहे। तो अंकित जी, जो आपका ये बुल है इसका क्या नाम है? इसका नाम राजा है। राजा नाम? राजा। ठीक है ठीक है। तो नया है यहाँ पर ये? हाँ जी, नया बुल है, हम गुजरात से ही लेकर आए थे इसको। ठीक है, 50,000 रुपये में। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजा नाम का नंदी, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर का। इसकी माँ का दूध उत्पादन कितना था? 22 लीटर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए कल ही इस बछड़े ने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद इतनी तेजी से भाग दौड़ कर रहा है, अंकित जी के पीछे पीछे हो लिया है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक इनकी उम्र है, पीछे थोड़े से बड़े हैं। और जो यहाँ पर बूढ़ी गाय हैं, 5 गाय यहाँ पर बूढ़ी गाय हैं, 1 गाय ये है, 4 गाय ये रही, और बाकी की जो आपको दिखाई थी वो जवान गाय उस बाड़े में है। और यहाँ पर जो मैं आपको पीछे एक बछड़ा दिखाना चाहूँगा, मात्र 10 महीने की उम्र इस बछड़े की है, इसको खरीद कर लाया गया है गुजरात से। अब आगे लगभग 3 साल में बछड़ों को यहाँ से चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो देखिए जो माथे की चौड़ाई देखिए, एक मटके की तरह, उल्टे मटके की तरह इसका जो माथा दिख रहा है, गलकंबल देखिए, कान देखिए, कानों की बनावट, काफ़ी सुंदर सुंदर गोवंश यहाँ पर आज हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर गोकुल गांव में भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पर लालन पालन हुआ था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गायों को गोचर में चराने के लिए लेकर जाते थे, 1.25 लाख गाय भगवान श्री कृष्ण के पास थी, उन गायों को चराने के लिए लेकर जाते थे। तो उसी गांव में यहाँ पर टाटम्बरी महाराज जी के आश्रम पर जो गिर नस्ल की लगभग 350 गाय यहाँ पर आज हमें देखने को मिली। लेकिन बड़ा ही दुख का विषय है कि जब भगवान श्री कृष्ण जिन गायों को जिस गोचर में चराने के लिए लेकर जाते थे, आज उसी गोचर पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, स्वार्थी लोगों ने कब्जा कर लिया है। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने उन पे सड़क का निर्माण कर दिया गया है, कुछ जो थोड़ी बहुत जगह बची थी किसी पे पंचायतों ने कब्जा कर लिया है। तो काफ़ी दुख का विषय है कि तकरीबन 2 बजे का समय है, इस समय जो गोवंश हैं ये गोचर में चरने के लिए ले जाती, लेकिन अब यहाँ पर खुले एरिया में, खुली बाड़ में यहाँ पर घूम रही हैं। अब तकरीबन 3:30 बजे, लगभग 1.5 घंटे के बाद इन गायों को गौशाला में ले जाया जाएगा। वहाँ पीछे जो गौशाला है, जो ये रमन रेती मार्ग है, इसी मार्ग पर जो ये गौशाला का निर्माण है, वहाँ पीछे गोकुल गांव है, और वहाँ जो इनकी गौशाला है वहाँ इनका रहने की व्यवस्था है। तो 3:30 बजे इन गायों को वहाँ ले जाया जाएगा। तो अगर गोचर भूमि होती तो ये गाय हैं जो शाम को वापस आती, लगभग 5 से 6 बजे वापस आती, और जो गोधूली का फ़ायदा आसपास का जो समाज है, आसपास के जो गांव हैं वो ले पाते। लेकिन बड़ा ही दुख का विषय है कि आज वो गोधूली हमें देखने को नहीं मिलती गोचर पे कब्जा होने के कारण। तो काफ़ी दुख होता है, काफ़ी मन को अशांति मिलती है जब गोचर भूमि पर कब्जा देखा जाता है, और जो गाय हैं ये एक आस में जीती हैं कि काश हमारी गोचर भूमि से कब्जा छूट जाता, हमें हमारा घर वापस मिल जाता। तो ये भी आज जड़ी बूटियां खाती, जगह जगह वनों में, गोचर में अलग अलग तरह की घास खाती, और अपना भरपूर पेट रखती, समय पर गाभिन होती, समय पर ब्याती, ना कोई फूल दिखाती, ना कोई दूध देते समय लात मारती, अच्छे से नस्ल संवर्धन का काम हो पाता। तो मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कि फिर से देसी गोवंश को अगर बचाना है, देसी गोवंश को अगर आगे तक ले जाना है, इसके ऊपर नस्ल संवर्धन का काम करना है,
तो अच्छे नंदी के साथ साथ अच्छी देखभाल के साथ साथ एक अच्छी गोचर भूमि भी अगर होगी तभी नस्ल संवर्धन का काम आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।